Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on loan and lease statement. And in this video lecture, we are going to take another comprehensive example. So let's read question number 4 very carefully. As took a loan of rupees 5 lakh for modernization of his organization from PN Bank at 18% per annum for 6 years with quarterly installments, with an offer that X could opt for monthly installments if he pays 60% of the loan in 3 years. X accepts the offer. Prepare a loan repayment schedule showing payments and generalize the sheet to incorporate any changes in year, amount, rate, or periodicity. सो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो हमें एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दैट व्हाट इज गिवन इन दी क्वेश्चंस एक्चुअली. सो हमें क्या गिवन है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन टेकन, दैट इज रुपीज 5 लाख. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट इज 18% पर एनम. एंड इनिशियली दे हैव टोल्ड दैट this entire loan had been taken for 6 years with quarterly installments. That means वो quarterly payment कर रहा है. But bank ने एक offer दिया है. क्या दिया है? कि उसका जो है monthly installment convert हो सकता है अगर वो 60% of जो loan है, जो entire loan है, अगर वो 3 साल के अंदर अंदर उसकी payment कर देता है तो. I repeat, देखिए उसने total loan लिया है 5 लाख का. इंटरेस्ट रेट है दैट इज 18% पर एनम, राइट? एंड द पीरियड ऑफ लोन इज दैट इज 6 इयर्स. बैंक ने एक ऑफर प्रोवाइड किया कि अगर आप अपना लोन 3 साल तक 60% ऑन लोन आप रीपेमेंट कर देते हो, तब हम आपकी जो EMI है, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, सॉरी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, उसको हम क्वार्टरली से मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? सो अब हमें उसके अकॉर्डिंग जो है लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है, राइट? तो ये क्योंकि अब तक हमने जो भी क्वेश्चन की है उसमें जो है अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑन लोन, पीरियडिसिटी, सब कुछ फिक्स होता था. बट अब जो है क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, राइट? जैसे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने जैसे लोन लिया था टोटल दिस मच अमाउंट का, इतने साल का लोन लिया था, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पीरियडिसिटी हमने मतलब एज्यूम करी थी कि वो क्वार्टरली बेस पे किया है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया था, हमने निकाला था कि अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होगा फॉर द एंटायर पीरियड, राइट? बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी वेरी हो जाएगा, बिकॉज 60% ऑफ द लोन का अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा एंड रेस्ट 40% इंस्टॉलमेंट का जो है अमाउंट EMI कुछ और अलग होगी, राइट? तो यहाँ पे जब क्वेश्चन वेरी होता है ना, तो उसको बोलते हैं रीशेड्यूल, राइट? रीशेड्यूल पेमेंट हमें देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ये एक शीट जो है जनरलाइज करनी होगी. सो स्टूडेंट्स, मैंने उसके लिए आपके लिए एक जो है ड्राफ्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फॉर द टाइम सेविंग. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, दैट इज रीशेड्यूल पीरियोडिसिटी लोन शीट. अमाउंट ऑफ लोन दैट इज रुपीज 5 लाख. इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 18%. पीरियड ऑफ रीपेमेंट दैट इज 6 इयर्स, राइट? टोटल नंबर पेमेंट हमें पता नहीं है, बिकॉज देखिए फर्स्ट फेज में कुछ और होगा एंड सेकेंड फेज में कुछ और होगा. तो हम निकालेंगे कि फर्स्ट फेज में टोटल नंबर पेमेंट कितनी होगी एंड सेकेंड फेज में कितनी होगी, दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे. चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट फेज की, दैट इज बिफोर रीशेड्यूल फेज. तो देखिए क्वार्टरली पेमेंट थी उसकी एंड उसमें कंडीशन क्या थी कि अगर वो 3 साल तक पे करेगा कितना 60% ऑफ लोन अमाउंट, तब उसकी जो है पेमेंट जो है उसकी क्वार्टरली से मंथली में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? सो अमाउंट टू बी रिपेड, तो देखिए फर्स्ट फेज में बताइए, फर्स्ट फेज में आपको आपको पता है कि फर्स्ट फेज में उसको कितनी पेमेंट करनी है, दैट इज 60% ऑफ द एंटायर लोन विद इन द 3 इयर्स, राइट? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर दैट इज 60%, राइट, इक्वल्स टू, अगर अमाउंट में पता लगाना क्या होगा, दैट इज 60% of what, 60% of this much amount, so that would be equals to 3 lakh, right? ये होगा.
ये आपको पता ही है मैंने किसके लिए बनाया है, फॉर दी लिस्ट के लिए, वो मैंने यहाँ पर बनाई दी है। अगर देखिए मैं क्वार्टरली से बाय मंथली जाता हूँ तो ये होगा, बट हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। नाउ अब आप पूछोगे सर अगर हमें गिवन है तो फिर आपने सर लिस्ट क्यों बनाई? डियर इसलिए बनाई क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल शीट टू इनकॉर्पोरेट एनी चेंजेस इन ईयर अमाउंट रेट और पीरियडिसिटी। दैट मीन्स इफ देयर इज एनी चेंज, मीन्स हमें जो भी चीज़ों को उसके लिए रेडी रहना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो शीट जनरलाइज करनी है, राइट। चलिए सो पहले हम आएंगे, पहले देखिए अब आफ्टर शेड्यूल देखिए क्या हुआ, पीरियडिसिटी कितना हो गया, मंथली हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा, 3 ईयर। देखिए 3 ईयर्स फॉर द फर्स्ट फेज, 3 ईयर्स फॉर द सेकेंड फेज, राइट। अच्छा देखिए टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फर्स्ट फेज में कितनी होगी, टोटल पेमेंट कितनी होगी, देखिए 3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, तो टोटल ऑफ टोटल पेमेंट इन द फर्स्ट फेज दैट इज 12। सेकेंड में कितनी होगी, देखिए मंथली पेमेंट हो रही है तो 12 इन अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ पीरियड रिमेनिंग कितनी होगी, 3, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन द सेकेंड फेज दैट इज 36। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दैट्स इट। सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेमेंट वुड बी 48, राइट। चलिए नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अच्छा बताइए अमाउंट ऑफ रीपेड कितना होगा, सेकंड फेज में कितना होगा, इक्वल्स टू इनिशियली कितना होने था, दिस मच अमाउंट माइनस दिस मच अमाउंट, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू ₹2 लाख। सॉरी लेट्स कन्वर्ट दिस वैल्यू इन नंबर, सो दैट इज द अमाउंट इन रुपीज 2 लाख, राइट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर बोथ द पेज। यू नो वेरी वेल दैट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वुड बी वेरी बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द इज डिफरेंट इन द फर्स्ट फेज एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वुड बी डिफरेंट इन द सेकेंड फेज। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज इक्वल्स टू पी एम टी रेट दैट इज 18%, ये तो फिक्स ही है, कुछ में कोई दिक्कत ही नहीं है। रेट डिवाइडेड बाय 4 होगा फर्स्ट फेज में, कोमा एन पी ई आर दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड। तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं फर्स्ट फेज में, नंबर ऑफ पीरियड कितने, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी है फर्स्ट फेज में, टोटल कितनी है दैट इज 48, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट 48 है, कोमा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी दैट इज इन नेगेटिव माइनस रुपीज इन फाइव लैख। अब क्लास यहाँ ध्यान से देखिए देखिए हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको कितनी पेमेंट से कितनी के पेमेंट निकालनी है। इनिशियल लोन कितना लिया था 5 लाख का, बट हमें तो सिर्फ सिर्फ 3 लाख तक का लोन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक रेंज देनी है, यहाँ पर आपको एक रेंज देनी है, कितनी रेंज देनी है दैट इज 5 लाख से लेकर 3 लाख तक, राइट। बस अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट। सो दिस दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इट इज इक्वल्स टू पी एम टी बी थ्री बाय सी एट बी फाइव, सॉरी सॉरी यहाँ पर ही चेंज करना है, बी फाइव नहीं होगा ये, इट वुड बी बी टेन बिकॉज आपका फर्स्ट फेज में टोटल नंबर ऑफ पेमेंट दैट इज 12 है ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना है, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन द फर्स्ट फेज, सेम वे वी कैलकुलेट इन द सेकेंड फेज। सो इक्वल्स टू पी एम टी ब्रैकेट ओपन रेट दैट इज सेम 18% divided by this time by 12
कोमा टोटल नंबर ऑफ पीरियड फॉर द सेकंड फेज दैट इज 36. देन प्रेजेंट वैल्यू वी विल टेक इन नेगेटिव. नाउ इन दिस केस द प्रेजेंट वैल्यू वुड बी दैट इज 2 लाख, राइट? बिकॉज इन द सेकंड फेज द एंटायर लोन ऑफ रीपेमेंट इज दैट इज रुपीज 2 लाख, राइट? सो जस्ट क्लोज द ब्रैकेट. वाई वी आर क्लोजिंग ब्रैकेट? बिकॉज इन दिस केस वी डोंट नो आफ्टर 2 लाख उसकी कोई इंस्टॉलमेंट तो बची नहीं है. सो दिस इज द फाइनल अमाउंट. जस्ट क्लोज द ब्रैकेट. सो 7230 वुड बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट? चलिए नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू, दैट इज पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स एंड द क्लोजिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस. सो देखिए अब हम सब वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे, पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस. एंड वी विल डू ऑल दिस प्रोसीजर सेम एज वी डिड इन द लास्ट लेक्चर वीडियोस, राइट? सो आपको सब फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए. सो पीरियड का देखिए क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट वन and then equal to if equals to if this cell is less than the total number of instrument, how many total number of instrument, that is 48, right? Then put comma, then it would be one addition to the previous cell, otherwise it would be blank. That's it. Now press enter, right? So first let's fix up the cell, that is B5. So ab hum isko dekhiye, fix up karne ke baad isko drag karenge. So just drag it to somehow like around 120 tak isko hum drag kar lete hain. सो देखिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड आए दैट इज इक्वल टू 48, विच इज इक्वल टू दी दिस वैल्यू, राइट? सो दैट मीन्स टिल नाउ वी आर डूइंग एवरीथिंग फाइन. नाउ फॉर द ओपनिंग बैलेंस दैट वुड बी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख दैट दी. देन कमिंग टू इंटरेस्ट, नाउ फ्रॉम हेयर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वुड बी स्टार्ट. सो देखिए यहाँ पर बहुत आंसर को करना है इंटरेस्ट को कैसे करना. देखिए इक्वल्स टू इफ काउंट दिस सेल इक्वल्स टू 1. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था, यहाँ पर 1 का मतलब यह है कि कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो कॉमा पुट. नाउ अगेन वी विल टेक इफ फंक्शन. क्यों ले रहे हैं इफ फंक्शन? बिकॉज यहाँ पर दो फेज हैं, इसलिए हमें इफ फंक्शन का हेल्प लेना पड़ रहा है. ऐसे करना, देखिए इफ दिस पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 12, दैट मींस इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज अप टू 12, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट? दैट इज द ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस मेरा सेल है, दैट इज बी 23 multiply by the rate of interest. Rate of interest kitna hai? That is 18 divided by the periodicity. First phase mein kitna hai? 4, right? Otherwise kaise karenge? Abhi ye wala if function hume close karna hai. Otherwise kya hoga? Otherwise opening balance, that is B23 multiply by 18% divided by कितना होगा? That is 12, right? Then close the second if function, this one, put comma. अगर ये count equal to 1 हुआ तो ठीक, ये होगा, otherwise it would be blank. Now close the bracket, right? Now let's fix up this else, that is B10. B3
C8 and B3. That's it. So 22,500 is the amount of interest, right? Then amount of installment equals to, if count this cell is equals to 1, then how we are going to calculate the amount of installment, or what would be the amount of installment? देखिए, हमने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि फर्स्ट फेज में हमारा ये अमाउंट है एंड सेकेंड फेज में ये अमाउंट है, बट अलग अलग है तो कैसे करना है? देखिए, वही जो हमने हमें इंटरेस्ट में किया था, इफ की हेल्प लेंगे हम, इफ फंक्शन की. इफ दिस पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू और अप टू 12 इंस्टॉलमेंट, देन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वुड बी इक्वल टू दिस मच अमाउंट, अदरवाइज दिस मच अमाउंट. इजी है. सो फर्स्ट क्लोज द सेकेंड इफ फंक्शन एंड देन क्लोज द लास्ट इफ काउंट फंक्शन. नाउ अगेन वी नीड टू फिक्स अप सम सेल्स. देखिए, मेरे लैपटॉप में जो कि वर्क नहीं कर रही F2 की, सो आप F2 के थ्रू सेल जो है आप फिक्स अप कर सकते हो इजीली, राइट? That's it. So this is the amount of installment. Now for the closing balance, again if count this cell equals to 1, that means if there is any numerical value in the period column, then the closing balance would be opening balance minus installment this much amount, otherwise it would be blank. That's it. So this is the amount of closing balance. Now just drag up all these values. अच्छा, opening balance के लिए क्या हुआ? देखिए, if count this cell equals to 1, so what would be the amount of opening balance? That is the closing balance of the previous year or the previous period, otherwise it would be blank, right? Now just drag this value till 120. Then drag up this also value till 120. Then drag this value also till 120. Then drag this also value till 120. Right. I think I have made some mistake. Let me check. Because मुझे कैसे पता मुझे मेरी मिस्टेक है? Because last installment में closing balance अभी भी कुछ है. It must be zero. Let's check क्या mistake होगी हमारी. If this equals to 1, then if this period is less than or equals to B10, that is okay, then B23 opening balance will be multiplied by B3, that is 18%, divided by 4, that is C8, otherwise B23 multiplied by B3 divided by C16. Otherwise it would be blank. I don't think so there is any problem in this case.
ओके ओके सॉरी सॉरी एक्चुअली आई नीड टू फिक्स अप दिस फाइल सो दैट इज 316। ये मैंने फिक्स अप नहीं किया था इसलिए ये ऐसा हो रहा है टिल 120। अब देखिए लास्ट में जीरो आ रहा है दैट इज नाउ एवरीथिंग इज फाइन। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बहुत मिस्टेक जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है सो इसलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है आपको। तो क्लास दिस इज द फोर्थ एग्जांपल एंड आई बिलीव कि आपको अच्छे समझ आया होगा एंड आपको समझ आया होगा कि मैंने इसको स्टार्टिंग में क्यों कहा था दैट दिस इज अ वेरी कॉम्प्रेहेंसिव एग्जांपल राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रीशेड्यूल दैट मींस व्हेन द पीरियडिसिटी इज नॉट फिक्स्ड राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द और जनरलाइज द लोन शीट। थैंक यू।